Hi, welcomes you. Hey guys, in this video I am showing you the Chandipur vlog. Hi. यहाँ पर थोड़ा फोटो सेशन हो रहा है और ये रिवर के सामने, ये रिवर कौन सा है? उड़ीसा में चांदीपुर नाम का एक ऐसा समुद्र तट है जो अपने विचित्र रहस्य के वजह से अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत करता है। तो चलिए जानते हैं इस बीच के बारे में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एकांत समुद्र तट स्थित है, जहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। यह दूर एकांत में समुद्र है, जहाँ समुद्र कुछ घंटों के लिए गायब हो जाता है और फिर वापस लौट आता है। इसे किसी रहस्य से कम नहीं कहा जाता है। इस बीच का नाम चांदीपुर है। इस बीच पर पहुंचने के लिए बालेश्वर या बालासोर स्टेशन पर उतरना होता है, जहां से चांदीपुर 30 किलोमीटर दूर है। बालेश्वर उड़ीसा का एक छोटा सा शांत कब्जा है और चांदीपुर इस बीच के कब्जे में स्थित है। इस बीच के गायब होने और वापस दिखाई देने वाली प्रकृति की वजह से इसे लुका छुपी बीच या हाइड एंड सीक बीच भी कहा जाता है। चांदीपुर बीच में केसुरीना पेड़ों, प्राचीन पानी और रसीला तटीय वनस्पति से घिरी हुई सुनहरी रेत का फैलाव है, लेकिन यहाँ हर दिन अजीब प्रकृति घटना घटती है। मानो या ना मानो, समुद्र का पानी कम ज्वार के दौरान 5 किलोमीटर तक दिन में 2 बार केवल गोले और पीछे छोड़ देता है। उच्च ज्वार के दौरान पानी लौटता है। इस तरह समुद्र लुका छुपी खेलता हुआ दिखाई देता है। जब यह समुद्र का पानी फिर से प्रकट होता है तो अपने साथ केकड़े और लाल केकड़े लाते हैं। जो समुद्री जीव अन्य तट से आगे रहता है उसे यहाँ तक लेकर आते हैं। इस समुद्र तट पर सूर्योदय और सूर्यास्त विशेष रूप से शानदार प्रतीत होता है। चाहे समुद्र का पानी दिखे या ना दिखे, समुद्र तट बेहद ही खूबसूरत दिखता है। यह एक ऐसा बीच है कि आप किसी भी सीजन में जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। वॉकिंग से लेकर कई एक्टिविटीज के लिए मशहूर है यह शहर। यह बीच में वॉकिंग का अपना अलग ही मजा है, क्योंकि यह स्तर घुटनों तक ही पानी रहता है। मतलब अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो आप बेफिक्र होकर इसके अलावा यहाँ पर भारत के मशहूर मिसाइल केंद्र है, जो कि 1989 में स्थापित किया गया था। भारत में बनी ज़्यादातर मिसाइलें जैसे आकाश, शौर्य, अग्नि, पृथ्वी को यहाँ से लॉन्च किया जा चुका है। इस बीच में एंजॉय के बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। शाम के अंधेरे के चलते समुद्र में बहुत अंदर तक जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सुबह के समय यहाँ कई सारे एक्टिविटीज़ के ऑप्शन होते हैं। समुद्र के अंदर 2 से 3 किलोमीटर तक चलने और चारों दूर दूर तक पानी के सिवा आपको कुछ नज़र नहीं आता। चारों तरफ से फैला हुआ समुद्र मन को शांति तथा सुकून का एहसास देता है। यह ऐसा समुद्र है जो आपको डराता नहीं, भगाता नहीं, बल्कि आपको अपने पास बुलाता है। दीघा बंगाल और उड़ीसा की सीमा के करीब स्थित तालसारी ऐसी जगह है जहां चांदीपुर देखने के बाद जा सकते हैं। और आपको बताते, समुद्र तट के अलावा यहाँ भोजन भी बहुत शानदार है, जहाँ पर्यटकों के लिए स्थानीय भोजन और समुद्री भोजन का पेशकश की जाती है। बीच का मार्केट